बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस का सुसाइड केस। सुसाइड केस में फंसा एक जाने माने एक्टर के बेटे का नाम। अब क्या इतना काफी नहीं था कि इस केस को और भी कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए जिया खान सुसाइड केस में आ रहा है बॉलीवुड के सबसे बड़े दबंग स्टार सलमान खान का नाम। लेकिन इससे पहले कि हम आपको ये बताएं कि आखिर सलमान खान का जिक्र जिया खान सुसाइड केस में कौन लेकर आ रहा है, क्यों लेकर आ रहा है, पहले जरा जिया खान केस का रीसेंट अपडेट आपको दे दिया जाए। मंडे इवनिंग अरेस्ट किए गए सूरज पंचोली को कोर्ट ने 13 जून तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। सूरज पंचोली को जिया खान सुसाइड केस में जिया की मॉम राबिया के कुछ नए खुलासों के बाद अरेस्ट किया गया था। इसमें एक 6 पेजेस का लेटर भी शामिल है। वैसे भी सूरज की गिरफ्तारी की वजह राबिया की वो FIR ही है जिसमें उन्होंने सूरज के हाथों मेंटली और फिजिकली अब्यूज होने को अपनी बेटी की सुसाइड की वजह बताई है। He's abusing and he's, you know, he's not treating her respectfully and embarrasses in front of friends. तो वो उसने पहले भी बताया था, which was repeated in the letter somehow, but buying him present, ये भी मुझे पता था, going to Goa, ये भी पता था मुझे, लेकिन other aspects which were very hurtful, that I do. लेकिन अब सूरज के बहाने इस केस में सलमान खान का नाम भी आ गया है। और बता दें कि सलमान के नाम का जिक्र किसी और ने नहीं बल्कि खुद जिया खान की मदर राबिया ने किया है। राबिया ने रिपोर्टेडली एक नॉन टैबलॉइड को बताया है कि जिया और सूरज के बीच एमिकेबल ब्रेकअप के लिए किसी और ने नहीं बल्कि सलमान खान ने मीडिएटरशिप की थी, क्योंकि सलमान का होम प्रोडक्शन सूरज को अपनी एक अपकमिंग फिल्म में लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। और उधर सूरज के फादर आदित्य पंचोली जिया और सूरज के रिश्ते के खिलाफ थे, इसीलिए आदित्य ने सलमान खान से सूरज को समझाने के लिए कहा था। लेकिन सूरज ने सलमान से कह दिया कि वो जिया से ब्रेकअप नहीं कर सकता क्योंकि वो जिया को चाहता है। बस रिपोर्टेडली सलमान भाई का इतना सा गेस्ट अपीयरेंस है जिया खान सुसाइड केस में, जो थोड़ी देर के लिए जोड़ी ब्रेकर बनकर आए थे जिया और सूरज की जोड़ी ब्रेक करने के लिए। अब आदित्य पंचोली के कहने पर भले ही सलमान ने इस केस में मीडिएटरशिप की हो, पर फिलहाल ये केस जिस स्टेज पर पहुंच गया है वहां से सूरज की राह कतई आसान नहीं होगी। वैसे ट्यूसडे को अंधेरी कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान सूरज के लॉयर्स ये एम्फसाइज करने की कोशिश करते रहे कि जिया का सुसाइड नोट बताए जा रहे लेटर में सूरज का कहीं भी नाम नहीं है। वैसे उस लेटर पर कोई सिग्नेचर ना होने की वजह से एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट आने के बाद ही कोर्ट में साबित होगा कि ये जिया का सुसाइड नोट है। उसके बाद कहीं जाकर कोर्ट इस बात पर फैसला देगी कि क्या वाकई सूरज ने जिया को सुसाइड के लिए उकसाया था। और जहां तक बात सलमान खान के नाम के जिक्र की है तो उसकी सिंपल वजह तो सिर्फ और सिर्फ यही है कि सलमान खान ही हैं वो शख्स जिनके जरिए सूरज को मिलने वाला है बॉलीवुड में लॉन्च। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई।